हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल अंजू जादा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्होंने सर ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो काफ़ी सालों से इस बिजनेस को कर रहे हैं और बिजनेस को करने के बाद उन्हें काफ़ी सारी सक्सेस मिली है। अब सक्सेस कैसे मिली है, कैसे उन्होंने अपने काम से इतना अच्छा वर्क किया है, तो सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। पहले सर ने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली और बड़ी बड़ी मशीनों के बाद भी उनको मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने एक छोटी सी मशीन, एक बहुत छोटी सी मशीन उसको लेकर उन्होंने रिस्क लिया। तो बड़ी मशीनों से क्या होता था, बड़ी मशीनें लगाई तो उसमें 4-5 लोगों की लेबर भी लगती थी, लेबर लगने के बाद लाइट का खर्चा और इतना सब होने के बाद भी बहुत सारा वेस्टेज भी जाता था। फिर उन्होंने रिस्क लिया, इन्होंने ली एक छोटी सी मशीन और इस छोटी सी मशीन में ना तो कोई लाइट का खर्चा है और टाइम 1 या 2 मिनट में बहुत सारे आइटम बनके तैयार हो जाते हैं। तो सर बताइए कि आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, सर इसकी कॉस्टिंग क्या होगी जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया? पहले थे उनका इन्वेस्ट किया 10 साल पहले भी, इसका 1.5 से 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख की ये मशीन है। हाँ, बाहर से मंगाई। अच्छा, बाहर से मंगाई, फिर भी आपको इसमें मजा नहीं आया? मजा नहीं आया, टाइम ज्यादा लगता, लेबर वो ज्यादा लगती थी, यानी वेस्टेज वगैरह भी बहुत सारा होता, वेस्टेज बहुत निकलता था कटिंग के बाद, वो लगाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो उसके वेस्टेज का। तो आपने इस मशीन के बारे में कैसे सोचा? जैसे वीडियो देखा। हाँ, वीडियो के बाद में इसका, तो इसमें कोई आउट ऑफ सर्विस वगैरह कैसी दे रहे हैं? सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है इसकी, इससे 10 गुना सर्विस है। अच्छा, इससे 10 गुना सर्विस ज्यादा है, टाइम भी कम है, लेबर का खर्चा नहीं है, लाइट का खर्चा नहीं है, चेके नहीं घेरती ज्यादा। तो इसमें एक बार में कितना माल बनके तैयार हो जाता है? एक बार में ये 10 डिश लगाते हैं, 840 पूरी, 840 एक बार में बनके तैयार हो जाती है। मशीन को चलाने में कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी नहीं आती, बिल्कुल आसानी से, इजी बिल्कुल। तो 840 प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 15-20 मिनट, यानी ऐसे बस घुमाना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, बस इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना है और घुमाने के बाद ही आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। तो दिन भर आप कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं? कम से कम 10 सालों से कर रहा हूँ। 10 सालों से। हाँ। तो पर डे आपकी कितनी इनकम हो जाती होगी? कम से कम 3,000-4,000 समथिंग। 3,000 से 5,000 तक ये पर डे कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस आपको ऐसा ही करना चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम लगे, जगह भी कम लगे और उसके बाद जो आउटपुट निकले, जो आपकी अर्निंग हो वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो मैं आज जिस बिजनेस की बात कर रही हूँ, ये गांव हो, सिटी हो, हर जगह हो, आप एक छोटी सी जगह में भी रह रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, मोस्टली लोग इसको खाना भी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और शेयर करें अपने पेरेंट्स, रिलेटिव, सभी लोगों के साथ में, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद कर सकें। इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं कि आप खुद हंसोगे कि इन्वेस्टमेंट कितना कम है और इन्वेस्टमेंट कम होने के बाद काम अगर आप करोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें अर्निंग होने वाली है। तो आगे मैं वीडियो में दिखाती हूँ इसकी पूरी प्रोसेस कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। अच्छा, इस पर पहले पन्नी लगानी है? हाँ, पन्नी लगाने के चिपकता नहीं है इसे, उसके बाद में ये लगा देंगे, इससे क्या होगा कि अलग अलग साइज में नहीं होगा। अच्छा जी, यानी साइज एक ही रहेगा? एक साइज रहेगा ये, ठीक से इसमें ये डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गोलगप्पे की प्रोसेस, गोलगप्पे, पानी पूरी, जो भी आप फुल्की जो भी बोलते हो, किस तरह से गोल गोल बना लिया है। अब गोल गोल बनाने के बाद में इसमें रख रहे हैं, इससे क्या होगा कि साइज प्रॉपर साइज बनेगा। तो सब में इस तरह से रख देना है? हाँ, सब में इस तरह में रख देना, एक साथ में, ये थोड़ा काम बहुत जल्दी हो जाता है। एक साथ में कितनी बन जाती होंगी ये? 140 बन जाती है एक बार में, 140 ये 70 बन गई। अच्छा, ये इसे 8 प्लेट है, ठीक है, 8 का 840 समथिंग में, 10 है ना, यानी इस मशीन से ना काम बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। हो गया, ठीक है, उसके बाद में आप इसको आहिस्ते आहिस्ते से हटा देंगे। अच्छा, इस तरह से फिर हटा दिया जाता है? इसको हटाइए, एक साथ में हो गया, तो एक पन्नी और लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हर बिजनेस में सभी लोग कहते हैं बनाना सभी लोग दिखा देते हैं, पर सेलिंग कोई नहीं दिखाता है, प्रोडक्शन कोई नहीं दिखाता है कि किस तरह से उसको
सेल करना है तो यहाँ पर इतना सारा मटेरियल रखा हुआ है, तो ये आपके सेलिंग किस तरह से करते हैं मार्केट में या घर पे आके लेके जाते हैं? अच्छा, घर से लेके जाते हैं। तो इस तरह से आपने पन्नियों में इसको पैक करके रखा है, तो इसमें कितने कितने पीस होंगे? इसमें 1000 पीस है। एक पन्नी में 1000 पीस। और आपके घर से ही लेकर जाते हैं? घर से ही लेके जाते हैं। तो सेल आउट करने की जरूरत नहीं है? अच्छा, सेल आउट करने की जरूरत नहीं है, घर पे आएंगे घर से ही लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक छोटी सी मशीन लगानी है। छोटी सी मशीन लगाने के बाद इस तरह से आप पन्नियों में भर के इसको सेल कर सकते हैं। आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपके घर से ही लेकर जाएंगे। स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो आपके एरिया में जो शॉप होती हैं उन पर भी आप दे सकते हैं, और इसकी छोटी छोटी पन्नी बनाकर भी सेल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, मैंने देखा है कि मार्केट में 100 की भी बना सकते हैं। हां, 100 50 के पैकेट बना सकते हैं, पैकेट बना के उसको सेल कर रहे हैं। सेल भी करते हैं ना, सुपरमार्केट वाले आते हैं लेके जाते हैं वो मार्केट में। अच्छा, आपका यहीं से सारे लोग लेके जाते हैं? यहीं से लेके जाते हैं। चलो खोलो। दे कम दो तीन वीडियो बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा एक छोटी सी मशीन से पानी पूरी को किस तरह से बनाया जा रहा था। अब इसको यहाँ पर तेल में तला जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं पूरी प्रोसेस दिखा रही हूँ। एक भी खराब नहीं हुई है, देखो सारी इसमें फूल गई है। चाय बनाओ ना day।